CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है अंग। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। अंग से अंगीठी का अंगारा। नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो बैठो, शाबाश, बढ़िया बढ़िया बेटा। आज एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूँ मैं आपको। आज कौन सी कहानी? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करें। क्या भैया? क्या भैया? क्यों ना एक छोटा सा गाना गाए। तो ठीक है, मैं पहले गाऊंगा और फिर मेरे पीछे पीछे बोलो, ठीक है? तो रेडी। अंग अंग बोलो, अंग अंग, अंग अंग बोलो, अंग अंग, अंग अंग बोलो, अंग अंग। वाह क्या बात है, बजाओ ताली जोर से, शाबाश। हाँ तो बच्चों, आज का मेरा अक्षर है। वाह क्या बात है, बड़े होशियार बच्चे हो तुम, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। आज मैं अंग की कहानी सुनाऊंगा। मेरी आज की कहानी का नाम है अंग से अंगीठी का अंगारा। अजीब नाम है, अजीब नाम है ना। नाम है अंगीठी का अंगारा। अच्छा ये बताओ कि अंगीठी क्या होती है? मेरी दादी के पास अंगीठी है, वो उसमें आग जलाती है। अच्छा आग जलाती है, कहाँ पर? गांव में। गांव में खाना पकाते हैं। हाँ अच्छा ये बताओ अंगारा किसे कहते हैं? आग। आग, शाबाश। और आग की चिंगारी को। आग की चिंगारी को, शाबाश। गरम होता है, शाबाश। और हल्का सा लाल और ऑरेंज दिखता है। अच्छा लाल दिखाई देता है, बिल्कुल सही। लविश ने बिल्कुल सही बताया। वो चमकीला होता है। चमकीला होता है, बिल्कुल सही कहा। और वो सुनहरा भी होता है, अंगारा, तपता हुआ, गरम गरम, बहुत गरम होता है। और उससे कपड़े भी प्रेस कर सकते हैं। अरे वाह क्या बात है, कपड़े प्रेस कर सकते हैं, क्या बात है। प्रेस वाला करता है हमारी गली में। प्रेस वाला करता है, उसके अंदर क्या होते हैं? गरम गरम अंगारा होता है उसमें। शाबाश। अब कहानी तो सुनाओ। अरे सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, जल्दी सुनाओ। हाँ बिल्कुल सुना रहा हूँ कुशाग्र। ठीक है तो सुनो। एक था मोर, बहुत ही सुंदर प्यारा। वो जो मोर था ना, वो जब नाचता अपने पंख फैलाता तो उसके पंख बड़े चमकते थे, सुनहरी लगते थे, तो उसका नाम पड़ गया अंगारा। क्या नाम पड़ गया? अंगारा। शाबाश अंगारा। बच्चों अंगारा बहुत ही प्यारा मोर था, सब उसको बहुत प्यार करते थे। और हाँ वहीं पर एक बंदर भी रहता था, लेकिन बंदर बहुत शैतान था, बहुत ही ज्यादा शैतान, सबको तंग करता था। सबकी चीजें ले जाता था। सही कहा तुमने। वो कपड़े उठा लेता, वो खाना छीन लेता। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों, वो बिल्कुल ऐसा ही करता था जैसा तुमने बताया। तो उस बंदर से सब परेशान रहते थे और सब अंगारा मोर को बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये बताओ सब लोग मोर को यानी अंगारा को प्यार क्यों करते थे? क्योंकि वो किसी को भी तंग नहीं करता था। किसी को तंग नहीं करता था, वो किसी की चीज भी नहीं लेता था। चीज भी नहीं लेता था, उसको उठा के नहीं चोरी भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता था। वो किसी को भी परेशान नहीं करता था। हाँ बिल्कुल सही, अंगारा सबकी मदद करता था। हाँ बिल्कुल सही कहा, सबकी मदद करता था वो। तो बच्चों बंदर ने एक दिन सोचा, इस अंगारा को मैं कैसे तंग करूं, कैसे करूं परेशान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा था वो बंदर। हाँ तो बच्चों एक दिन अंगारा मोर ने देखा कि एक जगह बहुत सारे अंगूर लगे हैं। अंग से अंगूर, अंगूर और अंग से अंगारा, अंगारा। तो बच्चों अंगारा मोर ने ढेर सारे अंगूर तोड़ लिए। अरे मेरी दीदी अंगूरी इन अंगूरों की सब्जी बड़ी अच्छी बनाती है, और वो भी खास तौर पर खट्टे अंगूरों की। कितने खट्टे हैं, और ये वाला खाता हूँ अब। ये तो कितना मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है। फिर हुआ ये कि अंगारा मोर ने ढेर सारे अंगूर तोड़ लिए और उन्हें अपने थैले में डाल लिया, और डालकर उस थैले को अपने पंजे में पकड़ लिया, और पकड़कर जैसे ही वो उड़ने लगा तो बंदर ने मारी छलांग मोर के ऊपर,
लेकिन ये क्या, मोर तो उड़ गया और बंदर, बंदर गिर गया कीचड़ में। ये क्या हो गया, मेरी छलांग इतनी ऊंची थी लेकिन मैं उसे पकड़ क्यों नहीं पाया। तब बच्चों पता क्या हुआ? क्या हुआ भैया? तब अंगारा मोर बंदर के पास आया और वो बोला, पीऊ। अरे बंदर भाई, उठो, चलो मेरे घर चलो। मेरे घर में अंग राग रखा है, अंग राग मतलब उबटन रखा है, उबटन। मेरी दीदी अंगूरी हल्दी चंदन से बनाती है ये अंगराग। तुम उस अंगराग से मल मल कर नहाना, तुम एकदम साफ हो जाओगे। हाँ, और एक बात और बताऊं, मेरी दीदी अंगूरी खट्टे अंगूर की सब्जी बनाती है, बड़ी स्वादिष्ट, बड़ी ही चटपटी। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। और तुम वो सब्जी भी पेट भर कर खाना, जी भर कर खाना, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। हाँ, और हाँ, अंगूर की सब्जी और साथ में पूरी भी खाना, वो मैं बनाऊंगा। अंगूर की सब्जी और पूरी? हाँ, बहुत टेस्टी होगी। हाँ, तब अंगारा मोर बोला, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरे साथ, आओ मेरे घर आ जाओ। ठीक है, चलो। पीऊ। तो बच्चों, अंग से बोलो, अंग से अंगूर, अंगूर, अंगारा, अंगूरी, अंगूरी, अंगना, अंगूठा, अंगूठी, अंगूठी, अंग, अंगराग। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बजाओ सी बात जोरदार तालियां। भाई मेरे बच्चे सच में बहुत होशियार है, बड़े प्यारे बच्चे। और फिर पता क्या हुआ? हाँ, फिर हुआ ये बच्चों कि बंदर मोर के घर गया। वहां बंदर ने पहले पानी से अपनी कीचड़ हटाई, फिर अंगराग यानी उबटन से मल मल कर नहाया। जब वो नहा धोकर अंगोछे से अपने शरीर को पोंछ कर तैयार होकर बाहर आया तो पता क्या देखा उसने? उसने देखा कि अंगारा मोर तीन थाली, तीन कटोरी सजाए बैठा है और वो कह रहा था, अंगूरी दीदी, मैंने पूरी बनाकर रख दी है, खट्टे अंगूर की सब्जी बनने में कितनी देर है दीदी, बड़ी भूख लगी है। तो अंगूरी मोरनी बोली, पीऊ, अरे बस 2 मिनट और रुक जाओ अंगारा, खट्टे अंगूर की सब्जी बस बनने ही वाली है, बस अंगीठी पर 2 मिनट और पकाना होगा। पीऊ। हाँ, तो अब बताओ बच्चों, अंग से अंगूर, अंगारा, अंग्रेजी, अंग्रेज, अंगोला, अंगूठी, अंगूरी, अंग से अंगना और अंग से अंगीठी। वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ तो बच्चों, अंगूर की सब्जी की खुशबू से बंदर के मुंह में तो पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं सारी सब्जी खुद ही खा जाऊं, मेरा पेट भी भर जाएगा और अंगारा और अंगूरी दोनों परेशान भी हो जाएंगे। दूसरों की चीज खाना बुरी बात है। बिल्कुल ठीक कहा। और मिल बांट के खाना चाहिए। मिल बांट कर खाना चाहिए, तभी तो प्यार बढ़ेगा, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। लेकिन बंदर ऐसा सोचता ही नहीं था। तो बच्चों, वो लपका उस बर्तन पर जिसमें सब्जी पक रही थी। जैसे ही वो बंदर कूदा, अंगीठी लुढ़क गई और अंगीठी के अंगारे बंदर के सारे अंगों पर बिखर गए। वो चिल्लाया, दर्द के मारे खूब चिल्लाया। जलन होने लगी। मैं जल गया, अरे मेरा बंदर जल गया, अरे मेरे अंगूर सारे अंगारे बिखर गए, अरे बचाओ। अंगारा भैया, अंगूरी दीदी, बचाओ मुझे, बचाओ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अंगारा मोर और अंगूरी मोरनी ने बंदर की खूब सेवा की। वो उसे डॉक्टर के पास ले गए, दवाई लगाई, उसको खाना खिलाया और कहा, पीऊ, बंदर भैया लेटे रहो, ये लो दवाई पियो,
हाँ पीयू पीयू। बंदर भैया मैं तुम्हें मरहम लगाती हूँ। हाँ चिंता मत करो, तुम जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ अब तो कुछ कुछ ठीक लग रहा है दीदी। हाँ हाँ तो बच्चों इस तरह थोड़े ही दिन में बंदर एकदम भला चंगा हो गया, ठीक हो गया। हाँ तो बच्चों अब बताओ वो बंदर कैसा बन गया था? चोरी भी नहीं करता था, अब वो नए नए दोस्त बनाता था, बहुत अच्छा बंदर बन गया था, चोरी भी नहीं करता था, शैतानी भी नहीं करता था, किसी को परेशान भी नहीं करता था, चीज भी नहीं चुराता था। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अब वो बंदर अच्छा बंदर बन गया था। तब बंदर ने पता है क्या किया? तो बच्चों तब बंदर बाजार से दो अंगूठी खरीद कर लाया और बोला, अंगारा भैया ये लो मैं दो अंगूठी लाया हूँ, एक आपके लिए और अंगूरी दीदी ये आपके लिए, लेकिन हाँ बस मुझे अंगीठी के अंगारों पर खट्टे अंगूर की सब्जी कैसे बनाते हैं ये जरूर सिखा देना। तब अंगूरी मोरनी बोली, अरे बंदर भैया सिखा तो दूंगी, पर फिर से अंगीठी के अंगारों से अपने अंग मत जला लेना, समझे? तो बंदर बोला, अरे समझ गया समझ गया, अब गलती नहीं होगी, एक बार गलती हो गई दोबारा थोड़ी ना होगी दीदी। तो अंगूरी दीदी ने कहा, अरे अब तो तुम अच्छे बंदर बन गए हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा अंगारा भैया चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। अंग से अंगूर, अंगारा अंगूरी, अंगूठा अंगूठी, अंग अंगूरी अंगूरी, अंगना अंगूठा अंगूठा, अंगूठी अंगूठी, अंग अंगराग। शाबाश बहुत बढ़िया, शाबाश बजाओ सी बात में जोरदार तालियां। तो हो जाए इसी बात पर अंग का गीत। अंग अंग बोलो, अंग अंग बोलो, अंग अंग बोलो, अंग अंग बोलो बोलो, अंग 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 से होता अंग शरीर का कोई भाग, अंग से होता अंग शरीर का कोई भाग, अंग से चले अंगारा, अंग से जले अंगारा, अंगीठी में जलती आग, अंग अंग बोलो, अंग अंग बोलो बोलो बोलो, अंग 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 अंग। अंग से होता अंगूर, अंगूर में रस भरपूर, अंग से होता अंगूर, अंगूर में रस भरपूर, खा लो खा लो जी खा लो खा लो, खा लो खा लो खा लो खा लो, खा लो नहीं मिले तो मत कहना खट्टे हैं अंगूर, तो अंग अंग बोलो, अंग अंग बोलो बोलो बोलो, अंग 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 अंग। अंग से होता अंगूठा, अंगुली और अंगूठी, अंग से होता अंगूठा, अंगुली और अंगूठी, हम पहने जी हम पहने, हम पहने हम पहने, हम पहने अंग से अंगुली में अंग से अंगूठी, तो अंग अंग बोलो, अंग अंग बोलो बोलो ना, अंग 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 अंग। अंग से होता
है अंगराग जिसका मतलब है उबटन। उबटन मल लोग नहाते और चमकाते हैं तन। हमसे होता अंगोछा इस कपड़े से तन पोछा। हिंदी हो या अंग्रेजी अंग से नया शब्द क्या सोचा। तो अंग अंग बोलो अंग अंग बोलो बोलो ना अंग 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 से अंगीठी का अंगारा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, अभय, दक्ष, कुशाग्र, महमूद और अतुल। संगीतकार हरभजन सिंह। गायन स्वर मंजीत सिंह और कनिष्का नेगी। बाल गायक आभा, मेघा, दिलकश, रक्षित थपलियाल, हरप्रीत कौर और अनुश्री। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगो और आलेख, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।